वेलकम टू माय चैनल नेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं पावर पॉइंट के अंदर डिज़ाइन एंड ट्रांजिशंस वाले टैब के बारे में। और इससे पहले अगर आपने हमारा होम टैब और इंसर्ट टैब वाला ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। और हमारे चैनल को अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पावर पॉइंट के डिज़ाइन टैब के बारे में बात करते हैं और ट्रांजिशंस टैब के बारे में आज बात करते हैं। तो अगर हम डिज़ाइन टैब की बात करें तो हम सपोज करके हमने जो भी हमने यहाँ पर देखे यहाँ पर स्लाइड्स ओपन किए हुए हैं ट्रांजिशंस में सॉरी पावर पॉइंट के अंदर, तो यहाँ पर देखिए डिज़ाइन के अंदर हम क्या है थीम्स सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास बहुत सारी वैरायटी ऑफ थीम्स हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थीम्स देखने को मिलेंगे आपको। देखिए यहाँ पर देखिए ये थीम्स हैं, जिस थीम को भी आप क्लिक करेंगे उस थीम के बेस पे आपका देखिए ये हमारा डिज़ाइन सेलेक्ट हो जाता है, सेट हो जाता है और उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये नेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नॉर्मली यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो देखिए मैं अगर कोई दूसरा डिज़ाइन सेलेक्ट करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन सेट हो जाता है हमारे इसमें। अब जैसे सपोज करके आपने हमने कोई भी ऐसे इस ये वाला अगर हम थीम सेलेक्ट किया, हमने इस थीम के अकॉर्डिंगली वेरिएंट्स हैं बहुत सारे यहाँ पर, उस वेरिएंट्स में हम इन इन इस तरह के वेरिएंट्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज करके हमने यहाँ पर ये वाला डिज़ाइन सेलेक्ट किया, इस डिज़ाइन में वेरिएंट्स देख सकते हैं आप, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के 4 वेरिएंट्स देख रहे हैं, कलर कॉम्बिनेशन, फॉन्ट्स, इफेक्ट्स, बैकग्राउंड स्टाइल्स, ये सब आप यहाँ से सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरे को अगर इस तरह का कलर चाहिए या इस तरह का कलर चाहिए तो इस तरह के वेरिएंट में आप यहां से डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, स्लाइड अगर साइज की बात करें तो स्लाइड साइज जैसे देखिए मैं अगर इसको फुल स्क्रीन में करता हूं F5 की प्रेस करके तो देख सकते हो आप ये स्क्रीन में दिखाई दे रहा है हमें। और इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आउटपुट में जब देखते हैं, जैसे हमारा मॉनिटर स्क्वायर फॉर्म में है या हमारा मॉनिटर की स्क्रीन जो है वो रेक्टेंगल फॉर्म में है या फिर हम प्रेजेंटेशन को प्रोजेक्टर में दिखा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे जब मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर मैक्सिमम साइज़ देख सकते हैं, इस तरह का साइज़ ही सिलेक्ट हो गया है। अभी F5 करता हूँ तो कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन में दिखने लग गया है। तो इस तरह से हम यहाँ से स्लाइड का साइज सेट कर सकते हैं। फॉर्मेट बैकग्राउंड्स का मतलब कि आप यहाँ से देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स चेंज कर सकते हैं इस बैकग्राउंड के। जैसे आप ग्रेडियंट्स लेना चाहता हूँ मैं, ग्रेडियंट्स में देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा शेडेड हो गया, और यहाँ पर अगर शेड आपको कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज इसको कर सकते हैं। और अगर कलर कॉम्बिनेशन अगर आप बदलना चाहें तो यहाँ से कलर कॉम्बिनेशन भी बदल सकते हैं। यहाँ पर पिक्चर्स टेक्सचर्स ले सकते हैं आप, जैसे आप फाइल से भी कोई पिक्चर्स ले सकते हैं। कोई अगर आप पिक्चर्स लेना चाहते हैं मान लो सपोज, तो देखिए मैंने वो पिक्चर्स ली, ये यहाँ पर पिक्चर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोई टेक्सचर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर पिक्चर नहीं तो एक टेक्सचर्स भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से किसी भी तरह का टेक्सचर्स को आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। पैटर्न फिल्स भी कर सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न फिल्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। और हाइट बैकग्राउंड भी आप कर सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर बैकग्राउंड ग्राफिक है वो हाइट आप कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए नॉर्मली कि दोबारा से वही रीसेट हो जाए तो आप रीसेट बैकग्राउंड में आप जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आप नॉर्मली आपका रीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो डिज़ाइन जो टैब है उसके ऑप्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं। ट्रांजिशंस की अगर बात करें तो ट्रांजिशंस के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, इस स्लाइड के अंदर कैसे ट्रांजिशन इफेक्ट हमें लगाना है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट्स आप देख पा रहे होंगे, जिस तरह का भी आपका इफेक्ट लगाना है, मान लो आपको कर्टेंस वाला लगाना है तो देखिए मैंने कर्टेंस वाला भी लगा दिया और इस तरह से कर्टेंस फॉर्म में यहाँ पर प्रीव्यू देखने को मिल रहा है। अगर आपको प्रीव्यू के बीच में भी आपको प्रीव्यू देखने की जरूरत पड़ती है क्लिक करने के बाद, तो यहाँ से भी आप प्रीव्यू दोबारा से चेक कर सकते हैं। देखिए ऐसे तो देखिए मैंने सपोज यहाँ पर कर्टेन वाला लगाया है, फुल स्क्रीन में मैं चेक करता हूँ उसको, तो इस तरह से कुछ कर्टेन वाला हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप इफेक्ट लगा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अगर आप इस वाले में चेक करेंगे तो देखिए इस तरह से हमारे ये व्यूज देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पर लगाता हूँ, मान लो यहाँ पर मैं एक कॉपी करता हूँ उसकी, डुप्लीकेट कॉपी, ओके, और इसको मैं आप चेक करता हूँ ले करके, तो देखिए इस तरह से हम यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि साउंड इफेक्ट्स भी अगर लगाना है साथ में आपको प्रेजेंटेशन ट्रांजिशंस लगाते समय, तो साउंड इफेक्ट्स यहाँ से बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स आप देखने को मिल रहे हैं आपको। आप जैसे मान लो मैं लगा देता हूँ कोई भी एक ट्रांजिशन लगा दिया,
और ड्यूरेशन क्या रखना चाहते हैं आप उसका, आप कम ज़्यादा यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अप्लाई टू ऑल से क्या होगा कि आपके जितने भी यहाँ पर स्लाइड्स हैं उन सब स्लाइड्स में एक साथ ये सारा इफेक्ट्स लग जाएगा, अदरवाइज तो सिलेक्टेड वाले में ही अप्लाई नहीं करेंगे तो सिलेक्टेड वाले में ही लगेगा। तो देख पा रहे होंगे ये इफेक्ट्स आपको दिखवा रहा है, ट्रांजिशन इफेक्ट्स, और आपका आवाज़ भी सुनाई दी होगी, तो इस तरह से वो इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर माउस का ऑन माउस क्लिक नहीं करना चाहते हैं, क्लिक करना चाहते हैं ठीक है, नहीं करना चाहते हैं तो इसको हटा दें आप, और हटा देंगे तो क्या होगा जब आप उसको प्रेजेंटेशन को पावर शो करेंगे स्लाइड शो को, तो अब माउस ऑपरेट नहीं होगा। माउस को क्लिक करने से देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, आप कीबोर्ड से आपको करना पड़ेगा। ये देखिए नेक्स्ट वाला स्लाइड्स आपके सामने इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये डिज़ाइन एंड ट्रांजिशंस, वेरी सिंपल ऑप्शन थे इसके अंदर। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे एनिमेशंस, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू के बारे में बात करेंगे। और अगर होम और इंसर्ट टैब्स के अगर आपने हमारे ट्यूटोरियल पावर पॉइंट के नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिए हुए, वहाँ पर जाके आप उनको सीख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले जब भी हम ट्यूटोरियल अपलोड करेंगे नया वाला आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप उसका बेनिफिट उठा लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।